हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले, ये 99% लोग शायद यूट्यूब में ये वीडियो देखने के वक्त इस कंपनी का ही एड आ रहा होगा, हो सकता है। गाइस, थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जोमेटो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बेकार में टाइम वेस्ट ना करके एक बार फंडामेंटल्स देख लेते, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स भी देख लेंगे कंपनी की। तो देखते हैं, चलिए गाइस। देखो, कंपनी क्या करती है ये तो बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैप ह्यूज निकल के आ रही है, लार्ज कैप कंपनी है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल अभी भी नहीं हुआ है कंपनी को ट्रेड करते हुए, तो कुछ कह नहीं सकते। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। उसके साथ साथ अगर बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कौन से में बात करें, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिले, सॉरी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एकदम खत्म ही हो चुकी है, आप लोग बोल सकते हो -63% अप्रॉक्सीमेट। उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी लॉस मेकिंग है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा चलती है, लेकिन कंपनी की ह्यूज, देखो सेल्स फिगर के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम लोग। सेल्स फिगर काफ़ी सही है और सेल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है कंपनी की। देख सकते हो, पहले 266, उसके बाद 426, 692, 844, 1024। सेल्स काफ़ी सही है कंपनी की, लेकिन कंपनी की जितना सेल्स इंक्रीज़ हो रही है उसके हिसाब से कंपनी की जो एक्सपेंसेस है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उसके चलते कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा लॉस दे रही है, इतना आधार इनकम देने के बावजूद। कंपनी सितंबर के क्वार्टरली में 430 करोड़ की लॉस दिया था, और कंपनी की जो लॉस की ग्राफ है वो भी इंक्रीज़ ही हो रही है। यहाँ पे करंट ATM का तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। बाकी अगर बात करें 2021 की फाइनेंशियल ईयर के बारे में, 813 करोड़ की लॉस दिया था कंपनी ने। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, 114 करोड़ की डेब्ट है कंपनी के पास। कंपनी के रिजर्व के सामने ये कुछ भी नहीं है, टोटली डेट फ्री भी आप लोग बोल सकते हो कंपनी। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 139 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े DIIs की होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 10.36% जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है कंपनी में। तो गैस, एक्चुअली ये कंपनी फंडामेंटली कैसे है? फंडामेंटली तो गैस मैं सच कोई साउंड तो नहीं बोलूँगा, 4 out of 10 मैं रेट करना चाहूँगा, एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए। तो गाइज देखो, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन गाइज मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इतनी, मतलब देखो कंपनी तो बहुत ही सही चलती है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही सही कंपनी बन सकती है फ्यूचर के लिए, तो गाइज आप लोग तो ही आप लोग इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि कंपनी चलती है वो अलग बात है, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं दे रही है, एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, आप लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे आप लोग को प्रॉफिट चाहिए। तो आप लोग सेल्स से तो कम नहीं चलोगे ना, आप लोगों को सेल्स से तो पेट नहीं भरेगा ना, प्रॉफिट से पेट भरेगा। तो कंपनी लॉस मेकिंग है। मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कुछ की, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फॉर दिस कंपनी। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, काफ़ी सही कंपनी है फॉर स्विंग ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। तो गैस यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। आज के बारे में बात करें, 4,89,47,3 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 77,000 रुपीज़ से भी ऊपर निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, लगभग 8,500 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 159.75 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 32.48, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है। तो गाइज अभी डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है कंपनी में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स देख सकते हो। कंपनी ने जो है ये रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली तोड़ दिया है। देखो इसके तो 100% गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी की जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली ऊपर एवरेज वॉल्यूम आई है। ये जो येलो लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, स्लाइटली ऊपर है ये। लेकिन आप लोग बोल सकते हो ये कंपनी ने जो है वो रेजिस्टेंस टू सम एक्सटेंट तोड़ दिया, क्योंकि कंपनी में आज बहुत ही सही ट्रेडिंग भी हुई है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, खोखला वॉल्यूम है। लेकिन फिर भी 30% की आप निकल के आ रही है तो ठीक ठाक ही है, टू सम एक्सटेंट ठीक ठाक आप लोग बोल सकते हो। ये हो गया। तो गाइस देखो, अगर कोई इंटरडे ट्रेडर्स है ना, तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कल एक अच्छा खासा मौका आप लोगों के लिए वेट कर रहा है यहाँ पे। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स
यहाँ पे भी बाई करके चल सकते हो आप लोग, फॉर द जैगर्स ऑफ 167.9, 180 एंड 192.95, या तो फिर ये भी आप लोग कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तो 167.9 के ऊपर क्रॉस करने के बाद, या तो फिर सक्सेसफुली रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है 167.9 या तो फिर 168 के जो रेजिस्टेंस है, कंपनी ने इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया है, इसके कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 180, 192। ये हो गया दोनों टारगेट्स, बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखो गाइस, मैं फिर भी बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कोई, देखो पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि कंपनी मुझे मतलब कुछ हुआ होगा कंपनी के साथ मेरा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, एंड ऑफ द डे मुझे वही देखना है कि कंपनी लॉस मेकिंग है तो कंपनी चाहे जितना भी चल रही है तो मुझे उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, कंपनी लॉस मेकिंग है लॉन्ग टर्म में, मुझे देखो भरोसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। देखो मार्केट में और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, आप लोग उसमें पैसा लगाओ। मार्केट में देखो BSE में 5000 एंड NSE में 1500 से 1600 स्टॉक्स लिस्टेड है, तो क्यों बेकार में एक ही स्टॉक के पीछे पड़ना है, कंपनी के ऊपर भरोसा है ठीक है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। 90% लोगों को, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 50%, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि Zomato एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वो देख रहे होंगे कि खिड़की से बाहर देख रहे होंगे तो Zomato की बाइक गिरा, मतलब Zomato की डिलीवरी बॉय गया, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी सही कंपनी है, लेकिन अगर रियलिटी अंदर दिखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है। बाकी आप लोग समझदार हो, क्या करना है, स्विंग ट्रेड ले सकते हो। देखो स्विंग ट्रेड तो फंडामेंटली जीरो कंपनी में भी ले सकते हो, फिर भी यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आप लोग बोल सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।